दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस ऐप के बारे में बताने आया है उसका नाम है हैंडी लोन, जिसकी रेटिंग जो है 4.6 स्टार की है और लगभग 10 लाख लोगों ने जो है इसे डाउनलोड कर लिया है। कुछ समय पहले गूगल प्ले स्टोर पर यह ऐप अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी जो है फिर से वापस आ चुका है। ऐसे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवेयर करने आया हूँ कि आपको क्या इससे लोन लेना चाहिए अब या फिर अभी भी ये ऐप जो है लोगों के साथ स्कैम कर रही है, वही जानेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को ये एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, उस पर ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि भाई आप अगर 75,000 रुपये का लोन लेते हो तो आपको पूरे एक साल दिया जाएगा और आपसे 10,000 रुपये 10,104 रुपये के आसपास इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा। यानी कि आपने जो है एक साल के लिए 75,000 रुपये से मान लीजिए लोन लिया, आपने एक साल का आपको टाइम दिया गया, 10,104 रुपये के आसपास आपका इंटरेस्ट लिया जाएगा ओवरऑल एक साल के अंदर, और आपको जो है 85,104 रुपये पे आउट करना है। और इसका आप लोग जो है EMI वगैरह भी बनवा सकते हो अपने सहूलियत के हिसाब से। आप चाहो तो एक बार में पे आउट कर सकते हो, या फिर आप जो है भाई 12 महीने का EMI बनवा लो, ठीक है, और जिस तरीके से पे करना चाहो कर सकते हो। आपको जो है मैक्सिमम जो देना है वहाँ पर मैक्सिमम ही लिखा रहता है कि आपको जो है 10,104 रुपये जो है लग जाएगा इंटरेस्ट रेट अगर आप जो है एक साल के लिए 75,000 रुपये का लोन लेते हो तो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस ऐप के डाटा को सेफ रखने की बात। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि हम जो है आपके डाटा को किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के साथ शेयर नहीं करते हैं, जो बात भी मुझे फिर से अच्छी लगी। लेकिन जैसे भाई हम जाते हैं ना 5-स्टार रेटिंग में, आपके स्क्रीन पर इस समय मैं जिन रेटिंग्स को शो कर रहा हूँ आप इसको पढ़ सकते हो भाई, क्लियरली पढ़ लेना, कहीं भी आपको जो है बुराई नहीं देखने को मिलेगा, हर जगह इसकी बराई है, जो कि और भी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि ऑलमोस्ट रिव्यूज़ जो हैं 5-स्टार में वो फेक रिव्यूज़ हैं। फेक रिव्यूज़ क्यों हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, इंडियन ऐप हैं, इंडिया में ये ऐप हैं, आप खुद सोचो रिव्यूज़ किसके होने चाहिए, इंडियन लोगों के रिव्यूज़ होने चाहिए। बट आप नाम पढ़ के देखो, यूज़र नेम पढ़ के देखो, अब हर इंडियन आदमी क्या अपना नाम यार विदेशी वाला रखेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 5-स्टार में आप पढ़ सकते हो, एक भी नाम आपको शायद ही मुश्किल से देखने को मिलेगा जो कि इंडियन होगा, बाकी आपको जो ऑलमोस्ट नाम जो भी देखने को मिल रहा है वो जो है किस तरीके के हैं आप पढ़ सकती हो, सभी फॉरेन के नाम हैं। और चलिए मैं इस बात को भी साइड में रख देता हूँ, लेकिन अब बात कर लेते हैं भाई 1-स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ की। अगर आपके स्क्रीन पर ये चीज़ें मैं शो करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली पढ़ सकते हो बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स को, जो कि ये ऐप को अभी भी बता रही है कि भाई ये ऐप जो है हमारे साथ स्कैम कर रही है। और किस तरीके से स्कैम किया है चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। आप चाहो तो इन चीज़ों को अपने फ़ोन में हैंडी लोन ऐप को सर्च करके गूगल प्ले स्टोर से, देन आप उसको रिव्यूज में जा करके 1-स्टार में पढ़ सकते हो। ये चीजें मैंने वहीं से पिक किया, आप स्क्रीन रिकॉर्डर में देख सकते हो, मैंने कहीं और से पिक नहीं किया है और इसी बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअली में दोस्तों 1-स्टार रेटिंग के रिव्यूज को पढ़ करके मुझे ये पता चला है कि भाई बहुत सारे लोगों के साथ जो है अलग अलग तरीके का स्कैम हुआ है। कुछ लोगों को तो लोन मिला ही नहीं है, लेकिन लोन के लिए जो है रीपेमेंट के लिए उन लोगों के पास मैसेजेस आने लगा है। कुछ लोगों का सीन तो ये हुआ है कि उनका डेटा ही शेयर किया जाने लगा, यानी कि उनका आईडी प्रूफ वगैरह, उनका सेल्फी का फोटो वगैरह को उन्हीं के कॉन्टैक्ट वालों के पास भेजा जाने लगा कि ये जो है लोन का अमाउंट को पे नहीं कर रहा है, इस तरीके की सीन किया जाने लगा। कुछ लोगों का कहना है कि भाई हमें जो है लोन का अमाउंट सो हुआ लगभग 10,000 रुपये के आसपास का, मिला 7-8 हज़ार रुपया, 7,000 के आसपास, और हमें जो है पे करना है 10,000 रुपया वो भी एक हफ्ते के अंदर। मतलब इंटरेस्ट रेट जो है आप अगर देखोगे कैलकुलेट करोगे तो लगभग 30% से भी ऊपर है, ठीक है, और इस तरीके का सीन है। ये एक आध लोग का कहना नहीं है, बहुत सारे लोगों का रिव्यूज़ में मेरे को देखने को मिला कि भाई अमाउंट सो हुआ कुछ, मिला बहुत कम, एंड देन पेमेंट करना है फुल उतना ही जितना कि अमाउंट सो हुआ था, यानी कि इन लोगों ने अपना इंटरेस्ट वगैरह जो है उसमें डिडक्ट कर लिया था। चलो लेकिन 5-6 दिन 7 दिन का टाइम मिला, जबकि वहाँ पर कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं था कि 5-6 दिन में ही आपको ये पे करना है। इन लोगों को बिल्कुल भी इस बात की जानकारी नहीं था, इन लोगों को लगा कि भाई महीने में मुझे पे करना है, लेकिन ये 5-6 दिन में ही इन लोगों के पास मैसेज आने लगा, और इन लोगों को तो छोड़िए इनके कॉन्टैक्ट वालों के पास मैसेज आने लगा कि ये बंदा पे नहीं कर रहा है, और उनका आईडी प्रूफ फ़ोटो वगैरह सब कुछ शेयर होने लगा कि लोन ले लिया है बट अब पे नहीं कर रहा है। अब ऐसे में सोचिए अगर आप जो है अपना पर्सनल कोई रीज़न की वजह से लोन ले रहे हो, और ऐसे में अगर आपके रिश्तेदार को पता चल जाए कि भाई आपने लोन लिया है किसी भी ऐप से और उसके बाद आप उसको पे भी नहीं कर रहे हो, तो यार मतलब क्या होता है आप समझ सकते हो। सिंपल सी बात है भाई, इसी वजह से मैं आपको मना कर रहा हूँ, आप ऐसे किसी भी लोन ऐप से लोन नहीं लें जो कि बाद में आपका सीन ऐसा कुछ करने वाली हो, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं हो कि बाद में भाई ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए जो है आपको एक वीडियो जो है सजेस्ट करूँगा, यहाँ पर मैं शो कर दूंगा, उसको ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि अगर आप किसी भी लोन ऐप से लोन लेना चाहते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखना होता है, अगर वो चीज़ें उस ऐप के अंदर हैं तो आप जो है लोन लेने के बारे में उस ऐप से सोच सकते हो, अदरवाइज़ जो है बिल्कुल भी
लोन मत लेना किसी भी लोन ऐप से, कौन कब आपके साथ जो है क्या सीन करे भाई कोई नहीं जानता है। फाइनली दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि भाई आपको पहली बात तो लोन लेना नहीं चाहिए। अगर आपने लोन ले लिया था, आपको लोन का अमाउंट रिसीव हो गया है, अब आप उसको पे करना चाह रहे हो और पे कर रहे हो ना, तो प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्डिंग बना लेना किसी और फोन से, ठीक है। और रिकॉर्डिंग बना करके जो है इन लोगों को जरूर फॉरवर्ड करना, जो व्हाट्सएप पे लोग आपसे बात करेंगे तब फॉरवर्ड कर देना कि सर हमने पे कर दिया, इसको अपडेट कर दीजिए इस तरीके से, क्योंकि भाई आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपका जो है इन लोगों के पास कॉन्टैक्ट नंबर्स होता है और उनको ये लोग जो है आपके फोटोज़ वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट अटैम्प्ट जो है अपनी तरफ से क्लियर करना है। आपको लोन का, अगर आपको लोन मिला है तो उसका आपने रीपेमेंट कर दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट में आप जो है एक तरीके से आप अपनी तरफ से अब सेफ हो कि भाई आपको लोन मिला, आपने रीपेमेंट किया। अब इन लोगों की गलती अगर होती है कि भाई ये लोग अपडेट नहीं करते हैं, ये वापस से आपके साथ ऐसा कुछ करते हैं, तो आपको क्या करना है, तो आपको सिंपली जो है साइबर क्राइम में कंप्लेन कर देना, और आपके पास प्रूफ जो रहेगा जो आपने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया पेमेंट का उसको इंक्लूड करके, यानी कि उनको इसको अटैच करके जो है आपको कंप्लेन करना है। आप जो है cybercrime.gov.in पर जाकर के भी कंप्लेन कर सकते हो। आप पेमेंट स्क्रीनशॉट वगैरह सब उसमें लगा देना कंप्लेन में कि मैंने पेमेंट कर दिया है, उसके बाद भी अपडेट नहीं हुआ है, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा सब प्रॉब्लम हो रहा है, कॉन्टैक्ट वालों को कॉन्टैक्ट किया जा रहा है, मैसेज किया जा रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी स्कैम हो रहा है, उन चीज़ों को जो है आप उस कंप्लेन में लिख सकते हो, या फिर आप नियरेस्ट साइबर क्राइम ब्रांच में जाइए और जाकर के कंप्लेन कर दीजिए कि सर हमने पे भी किया, उसके बाद जो है ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने को मिल रहा है। जो भी प्रॉब्लम हुआ है ना उसके लिए आपके पास जो है सॉल्यूशन यही है कि आप साइबर क्राइम में जाकर के हेल्प लीजिए। अब बात कर लेता हूँ उन लोगों की भाई जिसको लोन का अमाउंट रिसीव ही नहीं हुआ है, उसके पास ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, उसके कॉन्टैक्ट वालों को मैसेज किया जा रहा है, तो भाई मैं आपको सिंपल से बात बता दूँ, आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं पे करना चाहिए, क्योंकि आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं आया है तो आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना है। आपको जो है अपने बैंक का जो भी जिसमें वो बोल रहा है कि पैसा गया है उसका स्टेटमेंट वगैरह मंगवा लो, सिंपल सा उसको सेंड कर दो कि भाई देख ले कहीं भी पैसा नहीं आया, और अगर तुमने भेजा है तो तुम भी मुझे स्टेटमेंट भेजो। सिंपल सी बात है, अगर उसने आपके अकाउंट में पैसा नहीं डाला उस ऐप वाले ने तो वो आपको स्टेटमेंट नहीं भेज पाएगा, और ऐसे में अगर आपके पास भी जो है नहीं आया पैसा तो आप भी अगर स्टेटमेंट उसको सेंड करके दिखाते हो एज ए प्रूफ तो उसमें भी जो है मेंशन कहीं भी नहीं होगा कि आपको कोई अमाउंट रिसीव हुआ है। ऐसे में अगर वो आपको फिर से अगर प्रॉब्लम कर रहा है कुछ भी तो आप जो है साइबर क्राइम में डायरेक्टली जाकर के कंप्लेन कर सकते हो, चाहे आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। अगर आपको लोन का अमाउंट रिसीव हुआ है और आप उसको पे कर रहे हो तो एक ही बार पे करना है आपको फुल अमाउंट। अगर अगेन वो आपसे फिर से अगर ऐसा प्रॉब्लम करके दोबारा पैसा मांग रहा है कि अपडेट नहीं हुआ, आपने पे नहीं किया ये वो, तो आप बिल्कुल भी पे उसके बाद मत करना, क्योंकि ये लोग फिर बार बार आपसे पैसा मांगेगा। अगर ये एक बार में सुन रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि आपका भी कर्तव्य बनता है, अगर आपको किसी भी ऐप से लोन मिला है भाई तो आप भी उसको पैसा लिए हो और आपको पैसा मिला है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि भाई इसको जो है पैसा वापस लौटाना। जरूरत के समय पर किसी ने आपकी हेल्प की है तो ऐसे में आपका भी फर्ज बनता है उसको जो है पैसा वापस करना, यार सिंपल सी बात है। और अगर आपको लोन का अमाउंट रिसीव ही नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी घबराओ मत, आप डायरेक्टली जाकर साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दो, या फिर जो है ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी इस कंडीशन में पे नहीं करना चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। अगर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी स्कैम हुआ है ना उसकी जानकारी को मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हमेशा ही आपको अवेयरनेस जरा वीडियोस देखने को मिलेगा, और ये वीडियो को जरूर से देख लेना भाई अगर आप लोन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो। मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें इसमें कि आपको लोन लेने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, अगर उन चीज़ों को फॉलो करोगे और उस ऐप में अगर ये चीज़ें हैं तो आप लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हो और कुछ हद तक सेफ रह सकते हो, अदरवाइज लोन बिल्कुल भी मत लेना किसी भी ऐप से। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में, थैंक यू सो मच।